यूपी के कई शहरों में भी प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ चुका है। प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों को 5 नवंबर तक के लिए बंद करवा दिया है। दीपावली में जिस तरह से आतिशबाजी जलाई, जिसके बाद लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, आज AQI 422 तक पहुंच गया है। वहीं पर तमाम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जहरीली हवा चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से प्रदूषण लेवल बढ़ा है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें, सांस लेने में दिक्कत होती है और काफ़ी परेशानियां हैं जी। अब जो कि यह 400 कुछ पहुँच गया है, इस सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। क्यों सर? नहीं, ये बताइए कि लग रहा है कहीं ना कहीं से एक जहरीली हवा है, धुआं धुआं सा है। जिस दिन से दीपावली खत्म हुई है, आतिशबाजी हुई थी, बहुत धुआं धुआं है। देखिए तो कम से कम सामने देख लीजिए कितना धुआं धुआं है जी। तो सर, इस पर तो पाबंद लगाना चाहिए कम से कम सरकार को। क्या कारण मानते हैं इस पर? लगता है आपको दिवाली में जिस तरह से आतिशबाजी हुई थी, ये कारण है? ये कारण तो गलत है, नहीं होना चाहिए। दुकान बंद करवा देना चाहिए, कारखाने बंद करवा देना चाहिए जी जी जी। इससे बहुत इन बच्चों को, सबको दिक्कत हो रही सांस लेने में जी जी जी। ठीक है, शुक्रिया। तो साफ तौर पे इनका कहना ये है कि जिस तरह से दीपावली में आतिशबाजी हुई है, कहीं ना कहीं से प्रदूषण का एक बहुत ही बड़ा कारण है और इन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें, AQI लेवल 422 तक पहुंच गया है, जो कहा जाता है कि लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। वहीं लखनऊ के प्रशासन की तरफ से पानी छिड़काव को लेकर कई तरह की बातें की गई हैं। लखनऊ के DM ने भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसी चीज़ों को ढक कर रचे जिससे कहीं ना कहीं से भी प्रदूषण फैलता हो। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ।